जी ज़रूर, मैंने यहाँ पे आके देखा, जो है मेरे स्थायी समिति में आज बैठक थी और इस बैठक के दौरान यहाँ पे शिवसेना के नगर सेवक, उनके कार्यकर्ताओं ने स्थायी समिति का दालन और मेरा दालन दोनों का तोड़फोड़ किया है और अभद्र शब्द का उपयोग किया है, माँ बहन पे गालियाँ दी है। मेरा सवाल उदय जी ठाकरे जी से है, वो बड़ी सम्मान की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो कहाँ गया वो उनका वो सम्मान? आज मैं यहाँ पे महिला महापौर हूँ और मेरे साथ सभी नगर सेविका भी महापौर है, उनकी नगर सेविका भी है उसमें से। आज ये दालन मेरा दालन नहीं, मेरे को जनता ने चुन के दिया, उनका दालन है। वो यहाँ पे आते हैं, मेरे पास अपनी बात रखते हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी सुविधा रहती है जो मैं यहाँ से करके देती हूँ, ये उनका दालन था। उन्होंने आज महिला, एक महिला पे उन्होंने आज अत्याचार किया है, एक महिला को उन्होंने असम्मान किया है। तो मेरा सवाल उदय जी ठाकरे जी से है और उनके यहाँ मीरा भाईंदर में जो नेता है प्रताप सरनाईक जी, उनको कह, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको कोई शिकायत है, ये लोकशाही है, अगर आपका विरोध था तो विरोध पत्र के माध्यम से होता है, अनेक माध्यम से होता है, लेकिन इस तरह तोड़फोड़ करना, इस तरह गाली गलौज करना, एक महिला को आप नहीं डरा सकते हो। अगर महिला उतर गई ना तो महिला भी बहुत बड़े काम की चीज़ है और महिला भी कुछ भी कर सकती है। आप दबाने की जो कोशिश हमको कह रहे हो ना, आप दबाने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पे आके। महिला है, अगर महिला अगर चाहे तो वो भी सब कुछ कर सकती है। मेरा सवाल सबसे है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनको कार्रवाई करने को कहूँगी मैं। अगर उन पर नहीं हुई तो हम सब रास्ते पर उतरने वाले हैं उन पर कार्रवाई करने के। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।